हेलो। हाँ हेलो राकेश टिकैत जी के पास मोल मिला दादी ताऊ के पास। हाँ ताऊ जी नाश हो गया हमारा, हाँ कौन नाश हो गया जी ताऊ हमारा। बोल रहा, क्या हो गया, हरियाणा से बात करूं ताऊ, क्या हो गया? अच्छा सारा ओले पड़ गए ताऊ। थी मन कर रहा था जैसे जहर खाया जाए, बिल्कुल। कुछ भी नहीं बचा खेत में। जो अच्छा सर, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो ऑडियो सीधी आपने राकेश टिकैत से बात करनी पड़ी? मजबूरी थी जी मेरी, अच्छा जी, मैंने कहा ऐसी दुआई दे दे भाई, जो ये ओले गिरे ना इसमें दाने दोबारा लग जाएं। बिल्कुल। ये सुनते उसकी आंख में पानी आ गया, भाई मैं भी जमींदार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार। जितने भी चैनल हमारे देख रहे हैं उनको सभी को नमस्कार। तो भाई लगातार सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रही है, राकेश टिकैत और एक किसान जो अपनी पीड़ा को व्यक्त बता रहा है कि किस प्रकार से बारिश ने उसकी जो फसल है वो बर्बाद की है, उसको लेकर बातचीत की। सीधे राकेश टिकैत से उन्होंने बातचीत की है और ये गाँव है जो जजवान गाँव पड़ता है और उसी गाँव का एक किसान आज हमारे साथ है, उसी के पास पहुंचे हैं। आखिर किस बात को लेकर उन्होंने सीधे राकेश टिकैत से बातचीत की है और लगातार सोशल मीडिया पर जो खबर है, जो ऑडियो है वो वायरल हो रही है और जो फसल बर्बाद हुई है उसको लेकर हम सीधी बात करेंगे उस किसान से जिसकी फसल बर्बाद हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजेश नाम है जी। जो ऑडियो वायरल हो रही है क्या आपकी है वो? हाँ मेरी है भाई। अच्छा सर, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो ऑडियो सीधी आपने राकेश टिकैत से बात करनी पड़ी? मजबूरी थी जी मेरी। अच्छा जी, 20 तारीख को हमारे पूरे जींद ज़िले के अंदर ओलावृष्टि हुई, साथ में बारिश इतनी तेज़ थी, आंधी फसल पकने को थी, सरसों भी लोगों की कटी हुई पड़ी थी। मैं भी एक किसान हूँ, सभी खेती करें जी, गांव के भी करते हैं, तो खेत में जिस टाइम आए तो मैंने लोगों को अपने अपने खेत की मेड़ पर रोते हुए देखा। अच्छा जी, यानी किसान देख रहा था उसकी बर्बादी हो रही है। किसान बैठा बैठा रोने रो रहा था। अच्छा जी, तो देख के इंसानियत मेरे में भी है जी, मेरी भी खुद फसल ख़राब हुई, मैं भी नहीं रोक पाया अपने आप को, कुछ समझ में नहीं आया क्या किया जाए, किसके पास जाए, प्रशासन है सब कागज़ों में रह जाता है जी, दबा हुआ। हम कागज़ काले करते रहते हैं, किसी को आगे एडीओ को दे दिया, सरकारी विभाग में दे दिया, बीमा के नाम पे कह दिया, किसी साल दे दिया किसी साल नहीं दिया, तो क्या करें, किस कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हमने सोचा भाई किसान है, किसान का कोई तो सुनेगा ही। बिल्कुल। तो अब उन पे विश्वास करके मैंने उनके पास कॉल कर दी। तो उस टाइम पे तो स्थिति ऐसी थी, मन कर रहा था जैसे जहर खाया जाए, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा खेत में। जो भगवान ने इतने पाल पोस के बड़ी की थी 6 महीने, उस फसल में एक दाना भी नहीं बचा। खाद वाले ने खाद बेच दी, दवाई वाले ने दवाई बेच दी, जिससे ठेके पे जमीन ली थी उसने अपने पैसे से उसने ब्याज ले लिया, किसी का कुछ भी नहीं गया, गया तो किसान का गया, बिल्कुल सुनने वाला कोई नहीं है। मैं खेत में आया तो मैंने सबसे पहले अपना जिससे मैंने खाद बीज लिया था उसके पास फ़ोन किया। मैं भाई साहब मेरी फसल में बीमारी आई थी, मैंने आपसे दवाई ली थी, बिल्कुल भला ली थी, मैं उसका रिजल्ट कम आया था, फसल पूरी तरह ठीक नहीं हुई। तो उसने बोला रिजल्ट इतना ही होता है भाई, तेरी अगर दवाई ना डालता तो ये उससे भी बदतर होती, कम से कम परमात्मा ने इस दवाई ने रिजल्ट दे दिया, ये ठीक तो हो गई। अच्छा, मैं क्या भाई अब चाहिए मेरे को दवाई, बोला किस चीज़ की, मैंने कहा ऐसी दवाई दे दे भाई जो ये ओले गिरे ना इसमें दाने दोबारा लग जाएं। बिल्कुल। ये सुनते उसकी आंख में पानी आ गया, भाई मैं भी जमींदार हूँ, किसान हूँ, मैंने दवाई बेची है, ठीक है मेरा धंधा है, लेकिन भाई दाने तो मैं भी नहीं उगा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उगा मैं भी नहीं सकता, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का कुछ नुकसान हो जाए देश छोड़ के भाग जाते हैं, दोबारा बुला लेते हैं कर्जा माफ के लिए। बिल्कुल। कब क्या दिया किसान को, बिल्कुल एक 6,000 रुपये सांत्वना साल की दे दी, 6,000 में क्या आता है। बिल्कुल। अगर इतना ही किसान से द्वेष है, ये सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही रहेगा, खेती कर रहा है सारी उम्र, बूढ़ों ने भी की, वो भी बेचारे
करते करते मर गए, क्या मिला? आज भी वही कच्चे मकान है। आज हर डॉक्टर का बेटा सोचता मेरा बेटा डॉक्टर बने, पुलिस वाले का सोचता मेरा पुलिस में लगे, अध्यापक का बेटा सोचेगा मेरा बेटा भी अध्यापक बनेगा, कभी किसान ये नहीं कहेगा बेटा तू किसान बन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर लोहे से, फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से इस देश का पेट भरता है तो भाई ये सारी ज़मीन में ये लगा दो, सब एक्सपोर्ट करो बाहर, क्यों करते हो खेती, बंद करवा दो इसने। बिल्कुल। हम भी छोड़ देंगे, इतना तंग आ गए हैं जी, और क्या करें, किसके आगे रोए, किसी ने नहीं सुननी। अब बैंक वाले से कर्जा ले लिया, भाई मेरे को ज़मीन लेवल करनी है या मेरे को ठेके पे लेनी है, कुछ भी करना है, हर कोई लोन लेता है, किसान भी ले लेता है। जब फसल मर गई, अब ये सब ने अपना अपना कमा लिया। बिल्कुल। खाद, बीज, दवाई, सब सेठ सब कमा गए, इसके पास कुछ नहीं बचा। बिल्कुल। बैंक की भी किस्त कहाँ से भरेगा ये? को नहीं भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भर सकता। बाद में कहेंगे नीलाम कर रहे हैं ज़मीन, कर दो भाई सबकी नीलाम कर दो, बाद में जिसको भी दोगे वो भी तो कई खेती करेगा इसमें। बिल्कुल। या इसमें कुछ और उगाएगा। बिल्कुल। लोहा तो उगा नहीं सकता। बिल्कुल। ये पेट रोटी से ही भरेगा। बिल्कुल। उसको भी इसमें नाज ही पैदा करना पड़ेगा। अगर बार बार यही हालत रह गई तो कितने दिन गुजारा होगा? ये जितने ज़मींदार बैठे हैं देखो जी, इनके इनके मुंह देखो एक बार, ये खड़े हैं, किसी ने 30 किला ठेके से ले रखा है, किसी ने 20 किला ले रखा है, नौकरी है नहीं, क्या करेंगे? ज़मीन दे दी, तुम खेती करो, तुम उगाओ। जय जवान जय किसान, जवान की भी कुछ नहीं, किसान की भी कुछ नहीं, पराली का भी धुआं भी दिख जाता, पराली जला दी भाई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है हम। बिल्कुल। अरे हम नहीं, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी सांस कौन देगा? हर तरह से लड़के देख लिया, आंदोलन तक करके देख लिए, कोई किसी का नहीं थी। मैं तो यही कहूँगा अब भी कि जब तक ऐसी हालत किसान की रहेगी, इससे तो अच्छा है भाई हमारी तो ज़मीन ने ले लो वापस, हमने नहीं चाहती। राकेश टिकैत के आपके मन में कैसे आया? अभी सीधी राकेश टिकैत से बात की जाए, ये आपके मन में कैसे आया? एक बात बताइए, हर चीज़ का कुछ एजेंडा होता है, कोई ना कोई तो किसके ना किसी के थ्रू तो बात जाएगी, सब अपने अपने घर में सो रहे हैं, किसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। ये बात किसको कहें, किसको बोले जाके, डीसी के सामने बोल दे रोने के, भाई होगा भाई, देखेंगे भाई, कागज भरो भाई, मुआवजे मिलेगा, गिरदौरी होगी। अब भी कितने 4-5 दिन तो हो गए। बिल्कुल। उस बात को। बिल्कुल। आज तक गिरदौरी नहीं हुई। बिल्कुल। अब यह एक हफ्ते में कटने वाली थी, कटने का तो बचा ही नहीं। बिल्कुल। कब देख के जाऊंगे, कब मुआवजा इसका मिलेगा, इतना कहाँ से पालन पोषण होगा? अनाज ये इतना पड़ा पड़ा सड़ रहा है, अपने अपने घर में कोई बच्चा भी है ना, इतना बड़ा करते हैं पाल पाल के, और गुजर जाए, मौत हो जाए, कैसा फील होगा? तो ये ऐसी पाल रखी थी। बिल्कुल। हर किसान इसको ऐसे ही सींचता है, रात में, जाड्डे में, गर्मी में, कभी सांप पैर पे निकल गया, कभी कुछ निकल गया है, राजनीति करने सब आ जाते हैं, वोट के टाइम पे भी और के टाइम पे भी, लेकिन असली सुनने वाला कोई नहीं। मैं कहता हूँ किसको जिंदाबाद कहना है उसको कहूँगा, मोदी को, कांग्रेस को, जो भी पार्टी है उसको कहूँगा, उसके साथ खड़ा होंगे, हर किसान खड़ा होगा, हमारे साथ तो कोई खड़ा हो लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं, जो इस देश का है हम उसके, इसका मतलब तो हम देश के ही नहीं रहे। बिल्कुल। भारत हमारा देश से नहीं, हमारी जब कोई सुनी नहीं रहा, किसानों की कोई सुनी नहीं रहा है, जबकि तो किसान तो मतलब है ही नहीं इस देश का, क्यों मार रहे हो भाई? रोटी खाते टाइम भी एक मिनट भी ये नहीं सोचते कि यार ये कैसे पैदा हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये मर गई होगी फसल इसकी, तो कैसे गुजारा करेगा? सबकी इन्वेस्टमेंट देख लो जी, किसान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसान करता है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से लेके आखिर तक, अगर दुकानदार भी 20 रुपये का पेन बेच रहा है तो 18 रुपये का आता होगा। बिल्कुल। और 2 रुपये उसने प्रॉफिट कमा लिया, इसने 6 महीने तो इसको भाव होगा, फिर भाव होगा, जोतेगा बार बार, फिर इसमें बीज बोएगा, बीज कहाँ से आएगा, बीज वाले से आ गया, दवाई आएगी इसमें, फिर डीजल फूकना इसमें,
हर चीज का खर्चा इसमें और फिर ब्याज और रात में फिर पानी लाना और फिर रात ने इसमें पानी लगाना और जे मर गई तो उन्होंने अपने पैसे पूरे करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से ले होगा वो, कहीं से कर्जा उठाओगा? बिल्कुल। कितने साल पीछे गया जी वो, कब तक चलता रहेगा ये? किसान मरता ही रहेगा क्या? कोई सुनने वाला नहीं है। हाथ जोड़ के विनती है भाई, किसी कोई भी मेरे को कास्ट से मतलब नहीं है। हम जितने भी हैं हमारे खेत में हर जाति कास्ट तो इनने बांट रखी है भाई। जो हमारे साथ काम करते हैं वाल्मीकि भाई हैं, वो हरिजन भाई हैं, वो भी करते हैं, उनसे क्या मिला? आज तक वो भी यहीं पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बूढ़े भी हमारे साथ खेती कर रहे थे, साथ में लग के आज हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी वही हैं और वो अभी आज भी वहीं खड़े हैं। तो किसी का कुछ नहीं गया, गया तो एक किसान का। अच्छा, राकेश टिकैत से जब बात हुई तो क्या आश्वासन आपने राकेश टिकैत की तरफ से मिला, क्या भरोसा मिला और क्या फिर कार्रवाई हुई है? सबसे बड़ी बात तो है कि मैंने उनके पास फ़ोन किया, उन्होंने कम से कम बात तो की। कितनी देर बात हुई आपकी उससे? मेरी बात तो मेरे ख्याल से 5-6 मिनट तो हुई होगी। अच्छा। उन्होंने कम से सबसे पहले फ़ोन उन्हीं के पास मिला, किसी और के पास? उन्हीं के पास मिला। सबसे पहले फ़ोन उनके पास गया था और मेरे को मतलब नहीं था किससे, कौन क्या है, राजनीति है, कुछ है, मेरे को पता था। उन्होंने किसान का बेटा कहा अपने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी किसान का बेटा हूँ तो किसान को ही बोलूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मेरी और सुनता ना, मैं सीधा उसको बोलता जाके। अगर कोई ऐसा कोई महकमा बना रखा हो डायरेक्ट, भाई आज ही आएंगे तेरे पास, आज ख़राब हुई है फसल तेरी, आज ही मुआवजा देने की तैयारी होगी, तो हम वहाँ जाएंगे। पर बीमे के नाम पे कभी पोर्टल पे जाओ, इतने अनपढ़ लोग हैं, किसान हैं बेचारे, कहाँ पढ़े लिखे हैं इतने? बिल्कुल बिल्कुल। बूढ़े हैं, उनको ये नहीं पता पोर्टल क्या चीज़ है, कहाँ जाए, कहाँ जाए। पहले तो वहाँ चक्कर कटाते हैं पोर्टल पर, कटाते हैं, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, इतनी तारीख थी वो थी, फिर फसल ख़त्म हो गई, अब ये गेहूँ है, अब दिख रही है, देखो बैल में भी दाना नहीं इसमें, ये चली जाएगी, अब हफ्ते बाद इसको काट लेंगे, पीट लेंगे, जो भी है फिर बांध देंगे इसने। कहाँ गिरदौरी हुई इसकी, कहाँ नामो निशान भी नहीं, सबूत भी नहीं है यहाँ थी कि नहीं थी। फिर जमींदार दूसरी फसल की तैयारी में लग जाएगा और क्या सोचेगा, भगवान और दे होगा। अच्छा, राकेश टिकैत के बाद कोई आए अधिकारी? कोई यहाँ कोई भी नहीं आया जी मेरे पास। अच्छा। हाँ, तो मेरा गांव खुद उम्मीद लगाए बैठा है कि कम से कम हमारे मुआवजा तो मिले। बाढ़ी थी जी, वो भी सारी ख़त्म हुई थी बारिश से कम जमींदार को एक फसल भी मिल जाए ना, पेट तो भर जाएगा, अब तो दोनों ही मार दी। लगभग एक एकड़ पर कितना खर्चा आया होगा? आपने कितने एकड़ में फसल बोई है आपकी बार? मेरा जी 20 एकड़ में कणक है। अच्छा जी, तो एक एकड़ पर कितना खर्चा आता है? एक एकड़ पे कम से कम जी 35,000 रुपये खर्चा आता है। 35,000 रुपये। हाँ। और फिर उसके बाद अब ये फसल बर्बाद होगी, अब तो मेरे ख्याल में खर्चा भी नहीं पूरा होगा। खर्चा कहाँ से जी, जितना की ये फसल है नहीं, इतना तो किसी का ब्याज भी नहीं दिया जावे। अच्छा, जो अड़तियाँ के ब्याज पैसे रखे हैं। किस हर आदमी खेती कहाँ से लाओ पैसे करने के? हमारे पास तो कोई इतने बड़े बैंक भी नहीं है जी, माल्या की तरह कोई दे देगा इतने और फिर माफ़ कर देगा, आखिर में अड़ती से लेना पड़ेगा, ये ब्याज भी नहीं पूरा होता इसमें, अगली फसल कहाँ से बोएं? अब देख लो, अब भी दिख रहा है सबको, अब भी बारिश होने वाली है। ये तो एक जीन जिला था, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में ही ये हाल मचा हुआ है, और जिसका कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ वो अब कर देगा, तो मरने के सिवा कुछ नहीं बचता जी। एक और आपने ये बोला था, अभी मैं तो गोली खाऊंगा जी अगर इस प्रकार से मेरा कोई समाधान नहीं होता, इस प्रकार की कुछ बात आपने बोली थी, तो वो क्यों आपने बोली? आपका दर्द था भी फसल बर्बाद होगी तो इसलिए? और क्या करें जी, एक बात बताओ जी, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं लोग, जब कर्जा सिर पे हो गया, वो कहने का कर्जा है, कोई कर्जा नहीं, भाग गए विदेश छोड़ के, हैं वो विदेश छोड़ के भाग गए उन पैसों से, हमने तो फिर भी यहीं रहना जी, मरे नहीं तो क्या करें? अच्छा, कोई सोल्यूशन नहीं बचा, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है जी, करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आपकी ये आवाज़ है पूरे भारत में फैल चुकी है और ये आवाज़ मतलब एक किसान का दर्द बयां कर रही है, जिस प्रकार से आपने जो बातें उसके अंदर बोली ऑडियो के अंदर, जो राकेश टिकैत से सीधी बात हुई है, तो आप सभी से एक अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें, ताकि जो भी किसान की फसल बर्बाद हुई है उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन हो सके, क्योंकि इसी भाई ने
वो मुद्दा उठाया है फसल बर्बादी का, जिससे हर किसान की भरपाई वो की जा सकती है। अब ये कार्रवाई कहाँ तक जाके बैठेगी वो अलग बात है, लेकिन राकेश टिकैत से बात करने के बाद सीधे जो प्रशासन है वो भी हड़कंप मच चुका है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है वो भी पूछेंगे। सर क्या लगता है कि जिस प्रकार से आपकी ऑडियो वायरल हुई है, क्या गाँव के अंदर क्या चर्चा चली हुई है, किस प्रकार का माहौल है, क्या कुछ कह रहे हैं फसल को लेकर और आपकी बात को लेकर? देखो जी, किसान तो वैसे ही बोला वाला है। मेरा गांव का हर आदमी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि कम से कम और नहीं सरकार कुछ तो सहायता करेगी। अच्छा, कम से कम अगली फसल तो बोने तक का मुआवजा हमने मिल जाओ, कि अगली हम पैदा कर सकें, बो सकें, अनाज उगा सकें, या खेती ही छोड़ दें, कहाँ जावा, इतनी मजबूर कर दिया, खेती छुटवा दो फिर हमारी। लास्ट में क्या अपील करना चाहोगे दर्शकों को और जनता से जो आपको देख रही है, आपकी पीड़ा को समझ रही है, किसानों की पीड़ा को समझ रही है? मैं पूरे भारत से, पूरे हरियाणा, जो भी अनाज खाता है उस हर आदमी से ये अपील है, खाना खाते वक्त एक बार ये सोचना कि ये रोटी पैदा कैसे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान के हक में एक बार तो बोल दो कि ये सही है अपनी जगह। अगर लोहा फैक्ट्रियों से पेट भरता है तो भाई अच्छी बात है, कमा रहे हैं, देश कमाए, लेकिन पेट तो जी अनाज से भरेगा, कभी तो किसान के भी सपोर्ट में खड़े हो ले। तो आपकी जो 20 एकड़ थी उसमें से कितने एकड़ फसल बर्बाद हुई है? पूरी की पूरी फसल बर्बाद है जी। आधी पानी इतना था, पानी में सड़ गई, बैल पे ओड़े ने मार करके कोई दाना नहीं बचा जी उसके अंदर। ठीक, सरसों थी वो कटी पड़ी थी, सारी खेत में ही रह गई थी। तो राजेश जी ने अपनी पीड़ा बताई है, जो किसान है राजेश, 20 एकड़ फसल में अपनी फसल लगाई है, और आपको पता है भी लगातार जो बारिश है, मौसम ख़राब है, जिसकी वजह से ओलावृष्टि भी हुई है और फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद भी हुई है। तो ऐसे में राजेश ने अपनी पीड़ा राकेश टिकैत के सामने रखी, जिससे जो ऑडियो है पूरे भारत में वायरल भी हुई और जो समस्या के लिए कुछ अधिकारियों के संज्ञान में भी गया है। लेकिन इस समस्या का समाधान होगा नहीं होगा, आप सभी ने इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो राजेश जैसे भाई किसान है जिसकी फसल बर्बाद हुई है, उनके पर सरकार नजर बनाकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे और कुछ ना कुछ इनको मुआवजा दे। बने रहिए सभी चैनलों के साथ, एनजी न्यूज के साथ, खोजे स्पेशल और बेस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें। धन्यवाद।